जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है दो में एशिया कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया तो एशिया कप का इस साल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है पंद्रवा संस्करण सी ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर सेकंड क्वेश्चन है एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया तो देखो दोस्तों एशिया कप 2022 जो है यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजित किया गया है ओके देखो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2022 का ये कौन सा संस्करण है ये पंद्रहवा संस्करण है ठीक है इसका आयोजन कब किया जाना था तो 2020 में इसका आयोजन किया जाना था और इसका आयोजन कहां पर किया जाना था श्रीलंका में ठीक है लेकिन कोविड 19 के कारण इसका जो आयोजन है ये नहीं हो सका और फिर इसका आयोजन कहाँ पर कब किया जाना था 2022 में और कहाँ पर किया जाना था तो श्रीलंका में ही इसका आयोजन किया जाना था लेकिन अभी श्रीलंका में सभी लोग जानते होंगे कि आर्थिक संकट का खतरा बना हुआ है ठीक है तो आर्थिक संकट के कारण अब इसका आयोजन 2022 में श्रीलंका में नहीं किया गया कहां पर किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है तो आशा करता हूं ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और देखो दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं ठीक है पचपन से ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यदि आपको पढ़ना है और पिछले डेढ़ वर्ष का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी जनवरी दो से और अब तक की अपडेट ई बुक बाय कर सकते हैं ठीक है इस अपडेट ईबुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो एशिया कप 2022 का टाइटल स्पोंसर क्या रहा तो एशिया कप 2022 का टाइटल स्पोंसर रहा है डीपी वर्ल्ड ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2022 में सभी मैच किस फॉर्मेट में खेले गए तो एशिया कप 2022 में जितने भी मैच खेले गए हैं इस फॉर्मेट में खेले गए हैं तो ये टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेले गए हैं ओके बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों एशिया कप के किस संस्करण में पहली बार सभी मैच टी फॉर्मेट में खेले गए थे ऐसा कौन सा संस्करण है जिसमें सभी मैच टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेले गए थे तो 2016 का जो एशिया कप हुआ था उसमें सभी मैच टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेले गए थे और देखो दोस्तों अब तक एशिया कप नहीं? में दो बार ही ऐसा हुआ है जो कि टी ट्वेंटी फॉर्मेट में सभी मैच खेले गए हैं तो कब कब ऐसा हुआ है एक तो हुआ 2016 में ठीक है और ऐसा ये पहली बार हुआ इसके बाद कब हुआ है तो इसके बाद हुआ, तो हुआ, तो हुआ है 2022 में और इन दोनों संस्करण में सभी मैच टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेले गए हैं बाकी ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है ध्यान रखना और इसमें आप पांच स्टार लगा लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विजेता टीम कौन सी रही है दोस्तों श्रीलंका ठीक है बी ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका ने पाकिस्तान को तेईस रन से हराकर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है ठीक है श्रीलंका क्रिकेट टीम अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुकी है तो छः बार एशिया कप जीत चुकी है अब चूंकि श्रीलंका विजेता टीम रही है तो इसके कप्तान कौन है तो दासुन सनाका हैं और पाकिस्तान को हराया है यानी कि पाकिस्तान रही है उप विजेता तो पाकिस्तान के कप्तान कौन है बाबर आजम जो हैं ये पाकिस्तान के कप्तान है ठीक है और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एशिया कप दो की उपविजेता टीम कौन सी रही है तो उप विजेता टीम कौन सी रही है पाकिस्तान चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं तो एशिया कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया फाइनल मैच की हम बात कर रहे हैं तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये चुना गया है भानुका राजपक्षे के लिए ठीक है और दोस्तों भानुका राजपक्षे जो हैं ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने फाइनल मैच में पैंतालीस बॉल्स में कितनी बॉल्स में 45 बॉल्स में इकहत्तर रन बनाए ठीक है और इनको फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है ठीक है और यदि हम बात करें कि एशिया कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं दो रन और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं तो अपने देश भारत के भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं कितने विकेट लिए हैं तो ग्यारह विकेट लिए हैं ओके चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो एशिया कप दो में

नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो एशिया कप 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया तो 27 अगस्त से 11 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया बी ऑप्शन सही हो जाएगा एशिया कप 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है टीमों ने ठीक है छः टीमों की यदि हम बात करें कि कौन कौन सी टीमें हैं तो भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान और ला छठवीं टीम कौन सी है तो हॉन्गकॉग ठीक है नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो एशिया कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच जो है ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये कब खेला गया तो ये 11 सितंबर को खेला गया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों रोहित शर्मा थे सी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप पर विजेता टीम कौन सी रही है श्रीलंका ओके तो श्रीलंका को कितने रुपए दिए गए हैं तो लगभग एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये दिए गए हैं विजेता टीम श्रीलंका के लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप दो किस देश में आयोजित किया जाएगा अब हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2023 की और यह किस देश में आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में ठीक है और 2023 में कौन सा संस्करण रहेगा सोलवा अभी कौन सा संस्करण रहा है तो अभी जो संस्करण आयोजित हुआ है वो रहा है पंद्रवा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस वर्ष स्थापित किया गया था याद रखना किस वर्ष ये स्थापित किया गया था तो उन्नीस में स्थापित किया गया था और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया तो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था उन्नीस में ठीक है लेकिन स्टेबल कप किया गया था उन्नीस में अच्छा जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था यदि पूछा जाए कि पहला संस्करण का विजेता टीम कौन सी रही तो आप आप क्या कहेंगे अपने देश भारत की टीम जो है इसने पहला संस्करण जीता था नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप जीतने वाले प्रथम कप्तान कौन थे पहले भारतीय कप्तान कौन थे तो पहले भारतीय कप्तान कौन थे सुनील गावस्कर ठीक है और पहली बार हम कब जीते थे तो उन्नीस का जो पहला संस्करण है वही अपन जीते थे सुनील गावस्कर की कप्तानी में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बार एशिया कप टूर्नामेंट किसने जीता सबसे ज़्यादा बार एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये अपने देश भारत ने जीता है कितनी बार जीता है तो सात बार जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक बार एशिया कप खेले है अब ये पूछा गया है कि सबसे अधिक बार एशिया कप किस देश की क्रिकेट टीम ने खेले हैं तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने ठीक है और कितनी बार खेले हैं इन्होंने तो पंद्रह बार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप के पहले संस्करण का आयोजन उन्नीस में किया गया था तो किस देश में इसका आयोजन किया गया था तो उन्नीस में जो पहला संस्करण हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ठीक है और जो 2022 का संस्करण आयोजित हुआ है यह भी कहाँ पर आयोजित हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप कितने वर्ष के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं तो एशिया कप जो है ये दो वर्ष के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं ठीक है याद रखना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशिया कप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों एशिया कप जो है ये आयोजित किया जाता है ए के द्वारा ठीक है ए के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है ए यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हम बात करें कि वर्तमान में ए में कितने सदस्य देश हैं तो में ए में प्रेजेंट टाइम पे कितने सदस्य देश हैं दोस्तों ट्वेंटी फाइव मेंबर कंट्री हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसी क्रम में आपको याद रखना है कि ए यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो इसका मुख्यालय जो है ये श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है सी ऑप्शन सही हो जाएगा अब ए के बारे में हम जान लेते हैं ए का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी श्रीलंका के कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है और एसीसी का आदर्श वाक्य कि इसका मोटो क्या है तो क्रिकेट फॉर गुड जो है इसका आदर्श है। इसी क्रम में की हम बात करें। तो भारत किस वर्ष एशिया कप में शामिल नहीं हुआ था भारत किस वर्ष एशिया कप में शामिल नहीं हुआ था तो 1986 सौ के एशिया कप में अपना देश भारत शामिल नहीं हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में ए के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में ए के अध्यक्ष हैं जय शाह ठीक है, है कौन है जय शाह हैं और दोस्तों जय शाह से आपको याद रखना है कि ये बी के प्रेजेंट टाइम पे सचिव भी हैं ठीक है ठीके? ये बी के सचिव भी हैं ठीक है ठीके? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ए के पहले अध्यक्ष कौन थे ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ए के पहले अध्यक्ष कौन थे नरेंद्र कुमार प्रसाद मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नरेंद्र कुमार प्रसाद सालवे ठीक है और ये अपने देश भारत के थे और ये ए के पहले चेयरमैन हैं और यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जय शाह ए के चेयरमैन हैं और ये भी भारत के हैं ठीक है ठीके? जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके बेटे हैं जय शाह है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एशिया कप से बनने वाले सभी इम्पोर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है इम्पोर्ट टॉपिक पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरी यूट्यूब की सबसे बेहतरीन बुक है हमारी ठीक है तो यदि आपको ये ई बुक बाय करना है पचपन से ज़्यादा टॉपिक रहेंगे पाँच हज़ार से ज़्यादा बिल्कुल डिटेल एम्स और बिल्कुल आसान भाषा में बनाए गए हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए

चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं ठीक है और जिसको भी नेताजी पुरस्कार दिया गया है उनका फोटो भी यहां पर लगा है ठीक है तो और यदि आप चाहें तो अवार्ड एंड ऑनर का वीडियो भी देख सकते हैं तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में भाई बहनों के साथ में इसको जरूर शेयर करें जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसी प्रकार के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्ले को जरूर विजिट करें प्ले का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे इन वीडियोस को जरूर देख लें तो थैंक यू दोस्तों राम राम दुआ सलाम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में तब तक के लिए इजाजत दीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय